परफॉर्मेंस साउंड इसका कैसा है। एक लोडिंग वाली बाइक बन चुकी है, आप चेक कर सकते हो। एक एक चीज यार इसमें यूनिक है, क्या चीज नहीं है इसमें। एग्जॉस्ट चेक कर सकते हो, फोर्क प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर, इसके अलावा विंगलेट हो गई, इसके अलावा इसमें कार्बन का टच किया गया, इसके अलावा लीवर गार्ड्स हो गए। बैक साइड में देखोगे तो बहुत सारी चीजें और हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बताइए, देख सकते हो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है। और ये रहा इसका फोकस, और है फ्रेम स्लाइडर जो आप लोगों को जरूर करवाने गोल्डन कलर के हमने लगाए। वैसे तो काफी सारे डिजाइन के आपने देखे होंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसकेडी बाइक वर्ल्ड। कैसे आप सब, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम इसके अंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक वर्ल्ड। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा BMW G310 RR पर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करानी है, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई और बाइक है, लाइक आप देख सकते हो इस तरीके की मिस्टर क्लीन कलर के साथ है, जैसे कि आप देखोगे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो इसका टायर है ऊपर लगा दिया है, ये वाला पार्ट लगा, टायर है लगा के नंबर प्लेट लगा दी है, क्रैश गार्ड हो गया, बार एंड मिरर हो गए, बुलेट में भी काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यामाहा एरोक्स 155 जिसमें सस्पेंशन वगैरह लगाए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। एग्जॉस्ट वगैरह भी इसमें ट्राई कराया जाएगा। लेकिन आज जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा BMW G310 वाइट ब्यूटी पर क्या क्या चीज़ें इस बार ऐड करने वाले। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करानी। जैसे कि आप देखोगे फुल एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि सेंसर टू सेंसर फिट इसमें एग्जॉस्ट लग चुका है, मतलब लगेगा बैंड पर लग चुका है, ठीक है जी। एग्जॉस्ट जो लगाएंगे वो सिंपली लगाएंगे R9 और R1M, इसको महारत हासिल है कि ये इस वाली बाइक पे काफ़ी अच्छा साउंड आता है। इसके अलावा टैंक पैड, थाई पैड वगैरह हो गए, कार्बन डिप, तो यार अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसे कंप्लीट करके और आपको दिखा देते हैं एक फाइनल इसका लुक। ये जो है एक कंप्लीट बाइक होने वाली है मॉडिफिकेशन के लिए कि भाई इसमें क्या चीज़ें आप लोगों को करानी जो उसकी ज़रूरत है। एक एक चीज़ यूनिक है, जैसे कि आप देखोगे फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह हो गए, फोर प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर, रेडिएटर ग्रिल, आगे देख सकते हो विंगलेट, यहाँ पर जो है डिसेंट तरीके से रैपिंग की गई है, मोबाइल होल्डर लगाया गया है, पीपे लैमिनेशन की गई है, और भी काफ़ी सारे काम है। तो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। ब्लैक पे भी आप ये सेम वर्क करा सकते हो। तो गाइस सिनेमैटिक चेक करने के बाद अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट चेक कराता हूँ BMW G310 RR पर कैसा लुक आता है अगर आप इसको मॉडिफाइड कराते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। यहाँ अपने सामने है वाइट ब्यूटी जो कम्प्लीट हो चुकी है मॉडिफिकेशन के साथ, एक लोडिंग वाली बाइक बन चुकी है, आप चेक कर सकते हो। एक एक चीज़ यार इसमें यूनिक है, क्या चीज़ नहीं है इसमें। एग्जॉस्ट चेक कर सकते हो, फोर प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर, इसके अलावा विंगलेट हो गई, इसके अलावा इसमें कार्बन का टच किया गया, इसके अलावा लीवर गार्ड्स हो गए। बैक साइड में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें और हैं। ये देखोगा इसका लुक, क्या तो लुक आ रहा है यार। चलो आपको एक करके दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले इसका विंडशील्ड वाइजर देख सकते हो जिसमें हमने स्मोक PPF की है जो कि कुछ डिसेंट सा लुक दे रही है, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा हमने यहाँ पर विंगलेट लगाई है, ये वाला पार्ट विंगलेट कहलाता है, ये चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है और एक बहुत ही स्पोर्टी लुक आता है इससे। इसके अलावा हिडनली लगाई है हमने फॉग लैंप्स, क्योंकि अंदर की साइड में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा तब आप देखना। यहाँ पर स्विच लगाया हमने इसका फुल्ली वाटरप्रूफ, ये देखो गाइस येलो एंड वाइट। अब येलो कब काम आएगा, जैसे बरसात है या कोहरा है तब काम आता है, ये देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये रहा इसका फोकस, तो ये हिडनली इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इसको ऑन करोगे तो रोड पर जो व्यू आएगा वो काफ़ी अच्छा आता है। अंदर रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है हमने, रेडिएटर की सेफ्टी के लिए, कभी गलती से ही बाइक पे जो है कोई पत्थर लगता भी है तो डैमेज ना हो। इसके अलावा यहाँ पर फोर प्रोटेक्शन एंड फोर स्लाइडर लगाए हैं गोल्डन कलर के, क्योंकि गोल्डन कलर के सस्पेंशन तो प्रोटेक्शन गोल्डन आ चुकी है, और जो है स्लाइडर्स जो है गोल्डन लग चुके हैं, ताकि गलती से भी बाइक गिरे तो आपके सस्पेंशन, डिस्क प्लेट, ऑल अबाउट ये वाला पार्ट सेफ रहेगा इस। तो ये लुक देख सकते हो कितना ज़्यादा किलिंग आ रहा है यार, क्या तो लुक है भाई। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हमने कार्बन के जो है पार्ट्स किए गए हैं 70 कुछ इस तरीके से, लुक चेक कर सकते हो कितना ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ से। और मैं आपको दिखाता हूँ जब आप बाइक चला रहे होगे तो कैसा लुक आएगा, ये देखो। तो ये सारे पार्ट कार्बन के किए गए, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। टैंक पैड, थाई पैड इसमें लगा रखे हैं ग्रिपिंग के लिए, प्लस स्क्रैचेस वगैरह ना लगे, यहाँ से बेल्ट से स्क्रैच पड़ जाते हैं ये वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर ये गार्ड करेगा इस चीज़ को। PPF लेमिनेशन भी की गई और साथ ही में यहाँ पर जो ग्रिपिंग के लिए यहाँ पर लगा रखे हैं थाई पैड्स। इसके अलावा मोबाइल होल्डर यहाँ पर लगा रखा है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को चार्जिंग वगैरह लगवाना है, बिना चार्जिंग वगैरह लगवाना, तो वो आप करवा सकते हो। और साथ ही में यहाँ पर देखोगे तो मीटर टेम्पर लगा रखा है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है,
अगर इसको कोई स्क्रैच लगता है तो अब इसकी स्क्रैच की जो है टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मीटर टेम्पर्ड लग चुका है। लीवर गार्ड लगा रखें, गलती से ही बाइक गिरता है तो आपके जो है क्लच लीवर डैमेज ना हो। इसी तरीके से गाइस फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और इसी के अलावा गाइस यहाँ पर अगली चीज़ और है, वो है फ्रेम स्लाइडर्स, जो आप लोगों को ज़रूर करवाने हैं। इसलिए क्योंकि फ्रेम स्लाइडर्स इसलिए ज़रूरी है, कभी गलती से बाइक गिरता तो आपका ये वाला पार्ट पूरा सेफ रहता है। गोल्डन कलर के हमने लगाए, वैसे तो काफ़ी सारे डिज़ाइन के आपने देखे होंगे लेकिन ये डिज़ाइन देखो कितना ज़बरदस्त है, पूरा आपके चेसिस से कनेक्ट है और इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कलर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो कलर गाइस, ये बहुत सारे कलर मिल जाएंगे तो वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा गाइस इसका जो लुक है साइड से काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रहा है। अगली चीज़ जो लगाई है हमने वो लगाई है इसमें बैंड पाइप के साथ R1M का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, जिसमें सेंसर टू सेंसर फिट है, सेंसर लगा हुआ है आप देख सकते हो, ताकि किसी तरीके का इशू ना आए, बाइक की जो है इंजन पर इफेक्ट ना आए और जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। आपको सुना देता हूँ मैं साउंड इसका कैसा है। ये रहेगा बाइक स्टार्ट होने के बाद, तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, साउंड आपको सुना दिया है, आपको फ्रेम स्लाइडर्स दिखाया, रेडिएटर ग्रिल, फोर प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर, विंग लाइट, इसके अलावा फॉग लैंप्स, डिज़ाइनिंग भी आपको दिखा दी और साथ ही में आपको जो है मोबाइल होल्डर वगैरह हो गया, लीवर गार्ड्स वगैरह हो गए, तो ऑल अबाउट जो मॉडिफिकेशन है वो इससे बाहर नहीं है, जिसकी ज़रूरत इसमें ऐड हो चुकी है गाइस।